वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। आज हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और थोड़े से टफ भी पड़ जाते हैं तद्भव तत्सम, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें मैं एक दो ट्रिक भी आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनको रटना काफी मुश्किल हो जाता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको तो मैं आपको रिपीट कराऊंगी ही कराऊंगी, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी नहीं आए हुए होते और वो आ जाते हैं एकदम से, अचानक से देखने को मिलते हैं और हमें आता नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना उसकी एक ट्रिक होती है। तीन ट्रिक बताऊंगी मैं इसमें आपको, तो जिससे आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते एग्जैक्टली तद्भव तत्सम होते क्या है। देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, आप ये देख सकते हैं अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत् सम, सम मीन्स समान और तद्भव, तद्भव मतलब उसके भावार्थ और तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान। देखिए सारे जो जितने भी वर्ड्स हैं वो किससे निकले हुए, संस्कृत से निकले हुए। तो देख इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, तद्भव तत्सम का उपयोग या उल्लेख सर्वतम दंडी ने किया था, ठीक है। तो संस्कृत भाषा देवों की भाषा कहलाई जाती है, जैसा कि आपको सभी को पता है जितने भी प्राचीन महर्षि हुए पाणिनि पतंजलि आदि सबने संस्कृत का उपयोग किया है, पर क्या हुआ कि वो तो एकदम ज्ञानी पुरुष थे, पर जैसे जैसे इन भाषाओं का उपयोग होता गया एक से दूसरे के पास जाते गए वैसे वैसे इन वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज होता चला गया, वही चेंज उनका तद्भव हो गया, सॉरी तत्सम हो गया। और वो एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वही तत्सम हो गया मतलब उसके समान हो गया, और तद्भव हो गया जो उससे बिगड़ा हुआ रूप निकला भावार्थ हो गया वो तद्भव हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसी के समान, अर्थात समान होना अर्थात सांस्कारिक होना। जो शब्द मूल भाषा से उत्पन्न हुआ है वे तत्सम कहलाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है मतलब वैसे ही किया जाता है जैसे कि संस्कृत में, अतः संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे उज्ज्वल, अंगुष्ठ, अंध, अक्षी इत्यादि। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे तद्भव की। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि ये संस्कृत से निकले हुए भाव, भाव मतलब उसका भावार्थ वही है, ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकलकर बाहर प्रयोग में आते हैं और परिवर्तित होकर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। इन्हें संस्कृत साहित्यिक भाषा में अपभ्रंश कहते हैं, उजला, हाथ, आंख, आंसू, इतवार इत्यादि, ठीक है। ये तो हो गए हमारे तद्भव तत्सम की परिभाषा, अगर आपको मेंस में लिखने का भी आए तो आप एग्जैक्टली लिख सके। अब हम बात कर लेते हैं हमारी ट्रिक के बारे में कि ट्रिक हमें कैसे लगानी है, तद्भव और तत्सम की ट्रिक और क्या है ये ट्रिक। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है तत्सम की वो है ना, जैसे कि ना कैसे, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमने एक कोई लिया अरुण, अरुण जब हम लेते हैं अरुण को कैसे लिखते हैं, हमने देखिए ऐसे लिखा अरुण को, इंग्लिश में हम अरुण को कैसे लिखेंगे, अरुण, ठीक है। अरुण यहां पर ऐसे लिखा ना हमने अरुण, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो ये ना क्या है, ना। तो जितने भी तद्भव हैं, ठीक है, जितने भी तत्सम है वो तद्भव में कैसे चेंज होंगे, ना का क्या हो जाएगा, ना। जैसे कि हम जब बोलते हैं अरुण शब्द का हम उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं अरुण 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 बोलते हैं, वो अरुण प्रॉपर उच्चारण कर ही नहीं पाते, तो यहीं से ये अपभ्रंश स्टार्ट होता है। तो पहली ट्रिक क्या हो गई, ना का क्या हो जाएगा, ना, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे, त्रिगुण का मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें एक और ट्रिक लगेगी। लक्ष्मण का भी बाद में, अरुण का हो जाएगा अरुण, ठीक है। वरुण का हो जाएगा वरुण, किरण का हो जाएगा किरण, पूर्ण, पूर्ण एक अपवाद स्वरूप है, पूर्ण का हो जाएगा पूरा। अब हम बात करते हैं त्रिगुण और लक्ष्मण के बाद में, ठीक है। देखिए ये जो ट्रिक है इससे आप 99% तो क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं उनको आपको रटना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे त्रिगुण की और लक्ष्मण की, ठीक है। देखिए इसमें काम आती है हमारी ट्रिक नंबर दो। अब ट्रिक नंबर दो कैसे काम आती है, छा, त्रा और ज्ञा ये अपूर्ण वर्ड होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। छत्रज्ञा क्या होता है, अपूर्ण
शब्द होते हैं। तो छ चेंज हो जाता है खा में, त्र चेंज हो जाता है ता में, और ग्या चेंज हो जाता है जा में। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, खतज। मैंने तो ऐसे खतज करके याद रखा है, आपको जैसे भी याद रखना हो आप वैसे कीजिए। खा छा किस में चेंज हो जाता है खा में, त्रा किस में चेंज हो जाता है ता में, और ग्या ज्ञानी का चेंज हो जाता है जा जहाज के में। ठीक है, अब हम इसको एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस कैसे एप्लीकेशंस होंगे इसके, जैसे कि हम बात इसमें कर लें कि हमारा ये त्रिगुण खतज। ठीक है, खतज छत्रज्ञा। खा किस में चेंज होगा, खा किस में छत्रज्ञा। ठीक है, ये ऐसे ही है ना। अब देखिए त्रिगुण का क्या हो जाएगा, त्रि किस में चेंज होगा तिगुना। त्रिगुण का क्या हो जाएगा तिगुना। लक्ष्मण का क्या हो जाएगा लखन, लखन। ना किस में चेंज हो गया अपना ना में, छा किस में चेंज हो गया खा में, और ला तो ला है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ट्रिक हो गई दूसरी। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ओके, अब हम जैसे कि खीर, खीर का क्या हो जाएगा छीर, सॉरी छीर का क्या हो जाएगा खीर। ओके, और चैत्र का क्या हो जाएगा चैत। हम बोलते हैं ना चैत्र मास होता है, बट बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चैत मास बोल देते हैं। और क्षेत्र का क्या हो जाएगा खेत। तो इस तरीके से ये ट्रिक काम आती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक और ट्रिक के बारे में, जो है लास्ट ट्रिक। ओके, इसमें ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तद्भव है, इनमें से कौन सा तत्सम है। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं, जितने भी ये चंद्र ये है बिंदी रखी हुई है, चंद्र का क्या हो जाएगा चांद, दंत का क्या हो जाएगा दांत, ताम्र का क्या हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो ये इसके तद्भव हो जाएंगे। तो जितने भी ये चंद्र बिंदी वाले हैं, चांद जो चांद बिंदी वाले, ये सभी तद्भव होंगे, इनमें से तत्सम नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर के, इसमें से कैसे अगर ये हमने जो ट्रिक पढ़ी है ये एप्लीकेबल है भी या नहीं, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल एक उदाहरण दे देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी आरओ एआरओ मेंस का ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसमें क्या दिखा हुआ है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए खीर का हो गया खीर, दुग्ध का हो गया दूध, घी का हो घृत का हो गया घी। तो दही और ये इसका आंसर ये गलत है, यही त्रुटिपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें देख लेते हैं पक्ष। पक्ष का जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था खतज का छत्रज्ञा, तो छ का क्या हो जाएगा खा, तो आंसर हो जाएगा पंख। ट्रिक तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा और सही रहेगा। तो चलिए देखिए हम फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं घटना चक्र आर ओ ए आर ओ स्पेशल जो घटना चक्र है ये तो मैं पढ़ाऊंगी। आर ओ ए आर ओ स्पेशल जो घटना चक्र है उसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हम आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो नहीं भी आए हुए बट उनके आने की प्रबल संभावना होती है, वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। तो इसके दो वीडियो बनाऊंगी, दोनों आपको बहुत अच्छे से देखना है, आपके मेंस के लिए, आपके एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो ट्रिक आपको समझ में आ गई। ठीक है, तीन ट्रिक मैंने आपको बताई, ना का ना हो जाएगा, छत्रज्ञा का खतज हो जाएगा, और चांद बिंदी जो भी चांद बिंदी है हमेशा तद्भव ही रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये देखिए तद्भव है और तत्सम है। तद्भव मतलब उसका भावार्थ और तत्सम मतलब उसके समान। ठीक है, समान अगर आपको फिर भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा ये संस्कृत जैसा है, तो आप तत्सम लगा लेना, मतलब एक ट्रिक है, आप माने या ना माने जैसा भी आपको लगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अंगरक्षा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा अंगरक्षक। अखरोट, देखिए खा है ना, खा का क्या हो जाएगा अक्षोट।
अगर आपको नहीं आया, ऑप्शन में आपको दिख गया अखरोट, ठीक है, अखरोट आपने पढ़ रखा है, छत्र गया क्या क्या हो जाएगा, खतच, तो छा का क्या हो जाएगा, खा। अगर आपको ऑप्शन में छा दिख गया कहीं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, अदरक का आदरक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मीन्स में है, रिटर्न वाले हैं, उनको क्या करना है, लिख लिख के देख लेना है। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड्स स्किप कर जाते हैं या ढंग से नहीं हिंदी लिख पाते, तो वहां मार्क्स कटते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने तो इतना अच्छा पेपर किया, हमारे मार्क्स कैसे कटे। तो अदरक का क्या हो जाएगा, आदरक, इसको लिख के देख लेना आप, कुछ नहीं जाता। अपना क्या क्या हो जाएगा, आत्मनः। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो वर्ड संस्कृत जैसा लगे तो आपको क्या बोल देना, तत्सम, आत्मनः, ये बिंदी आ गई, तो आपको लग रहा है ना संस्कृत जैसा वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अमीय का क्या हो जाएगा, अमृत। इतवार आदित्यवार। आत का देखो मैंने आपको बताया था, जितने भी चांद बिंदी वाले हैं वो हमेशा तद्भव ही होंगे, तत्सम नहीं होंगे, तो आंत्र, जितने भी बिंदी है ये क्या होगा, तत्सम। उड़ का क्या होता है, उड। आंसू का अश्रु। उल्लू का उलूक। आसरा का आश्रय। ईख का इक्षु। ईट का इत्सिका। आप का आत्मा। आम का आम्र। ऊंट का हो जाएगा तत्सम, ऊष्ट्रण। कंगन कंकड़। कछुआ तद्भव है, इसका तत्सम होगा कक्षप। कपड़ा का तत्सम होगा करपट। कांटा का तत्सम होगा कंटक। काठ का तत्सम होगा कास्ट। कर्तव्य का तत्सम होगा कर्तव्य। कोयल का तत्सम होगा कोकिला। कोवे का तत्सम होगा कांक। खंडहर का तत्सम होगा खंडग्रह। खजूर का तत्सम होगा खरजूर। घड़ा का तत्सम होगा घट। चकवा का तत्सम होगा चक्रवाक। चौखट का तत्सम होगा चतुष्काट। छंद का तत्सम होगा छिद्र। छाता का छत्रक। घूंघट का गुंठन। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिख जाएगा। जो जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एग्जाम में आ चुका है तो वो आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। घी का तो देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, घृत। पाना का तत्सम हो जाएगा प्राप्त। पंगत का पंक्ति। पाती का पत्रिका। पत्थर का प्रस्तर। परख का परीक्षा। पीपल का पिप्पल। नींबू का निम्बक। पास का तद्भव तत्सम हो जाएगा पार्श्व। कुआं का कूप। बकरा का बकर। मक्खन का मक्षण, इंपॉर्टेंट है ये मक्खन। मक्खन का तत्सम क्या है, मृक्षण, ठीक है। देखिए ये खा है, खा खा किस में चेंज हो गया, छा में, तो मक्खन का क्या होगा, मृक्षण। मक्खी का देखिए खा किस में चेंज हो गया, छा में। मक्षिका, यहां पर ट्रिक काम आ रही है। महावत महापात्र। खतज, त्रा किस में चेंज हुआ, ता में। बोना का बामन। भांजा का भगने, इंपॉर्टेंट है ये भांजा। मां का माता। मदारी का मंत्रकारी, ये तत्सम है, ये तद्भव है। भीख का भिक्षा। भूख का बुभुक्षा, इंपॉर्टेंट है ये भूख। बिजली का तत्सम हो जाएगा विद्युत। बीज का बत्रम। बूंद का बिंदु। रस्सी का रश्मि, रश्म, सॉरी रश्मि ने, रश्म, रस्सी का रश्म। रानी का रागी। राजपुत्र का राजपुत्र। लंगड़ा का लंग। मेघ का मेघ। मिठाई का मिष्ठी। मोर का मयूर। ससुर का स्वसुर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ सब में आ चुका है प्री मेंस में। सनीचर का शनिश्चर। सताना का संतापना। सुअर का शुक्र, इंपॉर्टेंट है। सुआ का शुक। सीला का शीतल। देखिए आपने एक चीज और ध्यान दिया, जितना भी सा है, ठीक है, सा किस में चेंज हो रहा है, सम, शा में, ओके, शलजम वाले शा में चेंज हो रहा है। सीला, सीला का शीतल। सुन्न का शून्य। सुहाग का सौभाग्य। सिंगार का श्रृंगार, यहां पर ये अपवाद फिर से आएगा तो ये मत सोचिएगा, बता रही हूं मैं तो। सींग का हो जाएगा श्रृंग। सांड का हो जाएगा, देखिए ये सांड का हो जाएगा, सांड का हो जाएगा संड। सिक
का शिष्य, सावन का श्रावण, सिकड़ी का श्रृंखला, साड़ी का शाटी, सास का श्वश्री, इंपॉर्टेंट है ये सास ससुर दोनों, ससुराल का स्वशुराल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुई का सूची, सूत का सूत्र, ता किस में चेंज हो गया, त्रा में, सोना का स्वर्ण, हीरा का हीरक, सेज का सैया, हड्डी का अस्थि, हाथी का हस्ती, सौत का सपत्नी, मूछ का श्रमश्रु, इंपॉर्टेंट है ये मूछ, मूछ का क्या हो जाएगा श्रमश्रु, लखपति का लक्षपति, लाज का लज्जा, मेंढक का मंडूक, साला का श्याला, श्याल सॉरी, साला का श्याल, साई का स्वामी, साहू का साधु, साग का शाक, फांसी का पश्चिका, इंपॉर्टेंट है ये फांसी, फांसी का है तत्सम पश्चिका, फागुन का फाल्गुन, बगुला का बक, बछड़ा का बत्स, बाजा का बाध, बहनोई का भगनीपति, इंपॉर्टेंट है ये बहनोई का, इंपॉर्टेंट है, बिच्छू का वशिचक्र, बीघा का विग्रह, भाभी का भातृभार्या, इंपॉर्टेंट है ये, भालू का हो जाएगा भल्लुक, भौं का हो जाएगा भ्रूं, मंडुआ का हो जाएगा मंडप, मांग का माग्र, नंदोई का नंदाद्रुपति, नारियल का नारिकेल, दामाद का जामाता, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जम का हो जाएगा यम, जम्हाई का हो जाएगा जृंभिका, जीव का हो जाएगा जिह्वा, घोड़ा का हो जाएगा अश्व, 31 का हो जाएगा एकत्रिशतम, इंपॉर्टेंट है ये 31 का हो जाएगा एकत्रिशत, इतना का इयत, इंपॉर्टेंट है, इमली का अम्लिका, ईख का इक्षु, उच्छाय का उत्साह, उपरोक्त का उपर्युक्त, उल्लाहना का उपालंब, इंपॉर्टेंट है ये उल्लाहना का उपालंब, एड़ी का अंडी, एकता का एक्य, इतवार का आदित्यवार, इस एतस्य, इसका क्या हो जाएगा एतस्य, इस स्थिति स्थिति, ईस्ट इष्टिका, ईंधन का ईंधन, ये बिंदी लग गई है ठीक है, उल्लू का उल्लू, उलक उदखल, इंपॉर्टेंट है ये, एवज स्थानापन, एवज कबूतर कपोत, केल कदली, कोड़ कुष्ठ, कच्चा कुपच, कच्चा का इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है कुपच, खंभा स्तंभ, खपड़ा खरपर, गवैया गायक, गाय गौ, गुण गुड़, देखिए ना किस ना, घड़ा घट, घड़ी घटी, घी घृत, कछुआ कक्षक, कर्तव्य कर्तव्य, काम कम्र, कुदारी कुदाल, कंगाल कंकाल, क्षेत्र का हो जाएगा, कभी मैं आपको बताया था क्षेत्र, छा किस में चेंज हो गया, खामे, और ता किस में चेंज हो गया, तामे, छीर का खीर, खार खार का क्या हो जाएगा छार, गधा का गर्धव, इंपॉर्टेंट है ये गधा, गलत का गलत, गहरा का गंभीर, गेहूं का तत्सम गोधूम, इंपॉर्टेंट है गेहूं, गोवर का गोविष्ट, इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगी तो ये सब आपको वहां पर मिलेंगे, घर का हो जाएगा ग्रह, घास का हो जाएगा तृण, घोड़ा का घोटक, चख का हो जाएगा चक्षु, चमड़ा का चर्म, चूना का चूर्ण, चौपाया का चतुष्पाद, छाय का छाया, जब का हो जाएगा यदा, छेद का छिद्र, जमाई का जमाता, जुगती का युक्ति, जौ का यव, झरोखा का जालक, झनकार का झंकृत, टंका का टंक, टकसाल का टंकशाला, टूटना का टुट्रयते, ठंडा का स्तब्ध, डांड का दंड, ढीला का स्थिल, चुल्लू का हो जाएगा चुल्लुक,
चंद्र का देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था चांद हमेशा जो चांद बिंदी वाले वो होंगे, तो होंगे सॉरी चीता का चित्रक, चौराहा का चतुष्पथ, छकड़ा का शकट, छत का छत्रता त्रा, छाता का छत्रक, जीव का जीहा, जौवन का यौवन, ठाव स्थान, डर का हो जाएगा दर, डोरा का हो जाएगा डोरक, ढोंचा का हो जाएगा अर्ध चतुर्थ, तव का हो जाएगा तदा, तिली का हो जाएगा तिल, तेल का तेल, ठीक है, दांत का दंत, धुआं, जितने भी चांद बिंदी वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, तदव भव, धुआं का धूम, नाई का नापित, नींद का निंद्रा, पूरा का पूर्ण, पाख का पक्ष, फूल का पुष्प, बहु का बधु, बाघ का व्याघ्र, बुरा का विरूप, तांबा का ताम्र, दही का दधि, दाद का दंदु, धीरज का धैर्य, धुनि का ध्वनि, नीम का निम्ब, इम्पोर्टेंट है, नाक का नासिका, पृथ्वी, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पृथ्वी है, ठीक है, पहले हम पृथ्वी ऐसे लिखते हैं और तत्सम में पृथ्वी ऐसे लिखते हैं, पात्र का हो जाएगा पत्र, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़ेंगे, तो दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वीडियो देखिएगा। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।